के टेररिस्ट कम्युनिटी आईएसआईएस में शामिल होने के लिए लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और कई लड़कियां लापता हो गई। फिल्म द केरला स्टोरी का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ तब से यह चर्चा बनी हुई है। कुछ लोगों की राय है कि विवादों के भंवर में फंसी इस फिल्म का प्लॉट सच है और कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म प्रोपगंडा है। इस फिल्म की स्टोरी शालिनी उन्नीकृष्णन पर बेस्ड है जो एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही है। शालिनी और उसके दोस्तों को मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसा कर धोखा देते हैं। लड़की के प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया जिसके कारण फैमिलीज को एक अलग तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वे किस तरह से मुश्किलों को सामना करते हैं ये फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का हर सीन देखने वालों को सोचने को मजबूर करता है। जब महिलाओं का ब्रेन वॉश करने और उन्हें धर्म में चेंज करने के बारे में संवाद शुरू होता है तो फिल्म देखने वाला हर कोई चौंक जाता है। लड़कियों को धोखा दिए जाने के बाद ऑडियंस के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए इस फिल्म के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें अवेयर कराने की भी कोशिश की गई। इसी कारण केरला गवर्नमेंट ये मूवी सभी देखने के लिए मजबूर कर रही है और एमपी गवर्नमेंट इसे टैक्स फ्री किया है। मूवी एंड में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे लड़कियों के इंटरव्यूज शामिल है और 32,000 लड़कियां लापता बताई जा रही है। तो सच क्या है मूवी मेकर्स ही जाने। शालिनी उन्नीकृष्णन के रोल में नजर आ रही अदा शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। उसके साथ योगिता बिहानी, सोनिया बानी, सिद्धि इदनानी ने मेन कैरेक्टर्स प्ले किए। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन की भी सराहना की जा रही है। केरला में महिलाओं को धोखा देकर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद इन लड़कियों को आईएसआईएस टेररिस्ट के सामने लाया जाता है। फिर शुरू होता है गूस बम्प प्ले। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.